साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोज़ पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल। और आज इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 7 प्लस में बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है कि या तो 1% दिखाता है या 100% दिखाता है, तो उसी के प्रॉब्लम के सॉल्व करके देखेंगे कि ठीक होता है या नहीं होता है। तो ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो उस हिसाब से वीडियो बन रही है। अभी स्क्रू लूज़ कर रहा हूँ मैं इसके, जो भी आईफोन में लगे रहते हैं। मैंने इसका स्क्रू ड्राइवर के अंदर इसलिए निकाला था कि ज़रा सा ही खोलना होता है, ज़्यादा अच्छी वैसे पावर जगह नहीं होती, तो मैं इसे टेप के रोल के अंदर रख देता हूँ जिससे कि स्क्रू खोए ना। और एक मेरे पास है सेक्शन कप और एक ओपनर है। पहले मैं सेक्शन कप से ट्राई करता हूँ खोलने की, बट काफ़ी देर तक फ़ोन खुलता नहीं है। तो दोस्तों फिर मैं उसके बाद ओपनर का इस्तेमाल कर लेता हूँ जो ब्लैक कलर का रहता है। और मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें जो की है पहले ही किसी ने खोल रखा है इस फ़ोन को, तो इसलिए मैं इस पर हीट नहीं कर रहा हूँ, वरना अगर आप खोलते हो तो आपको हीट भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा फ़ोन, जिससे कि आसानी से खुल सके वो। तो ये मैं अभी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत खुल गया है एक तरफ से। एक बार बस स्क्रू और जो ओपनर है अच्छे तरीके से इसके अंदर फंस जाए, फिर ये आराम से खुल जाता है। तो ये खुल चुका है, आप देख सकते हैं कि इसकी टच जो है वो अलग हो चुकी है। और झटका नहीं मारना आपको टच खोलते वक्त, बहुत ही सारे से करना है क्योंकि पत्ता रहता है इसके अंदर, अगर ज़रा सा भी आपने थोड़ी सी जल्दी करा तो वो टूट सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी जितने भी कनेक्टर दिख रहे हैं उसको मैं हटा लूँगा। कनेक्टर के पास एक पीस मेटल का एक इसके ऊपर कवर सा चढ़ा रहता है, वो इसके ऊपर नहीं है अभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले से ही ये खुला हुआ है तो इस वजह से नहीं है। पहले मैंने डिस्प्ले का निकाला, अब ये सेंसर है यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं इसकी टच का, टच डिस्प्ले दोनों एक तरफ है, ये सेंसर वगैरह जो आगे का रहता फ्रंट में वो था, ये टच और डिस्प्ले का है, ये जो दो पत्ते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर एक ये स्टिकर लगा हुआ है, पता नहीं किस वजह से स्टिकर लगा हुआ है किसके ऊपर, बाकी ये सारी चीज़ें। और अब हम करेंगे इसका जो डिस्प्ले का कनेक्टर है उसको हटाएंगे। चलिए अभी डिस्प्ले का कनेक्टर हटा लेते हैं हम, सॉरी डिस्प्ले बैटरी का कनेक्टर हटा लेते हैं। तो ये बैटरी कनेक्टर है जो कि आप देख सकते हैं ये रही। और अब हम इसके अंदर देखेंगे बैटरी वोल्टेज नाप के कि कितनी बैटरी वोल्टेज आ रही है और जैक पे कितनी आ रही है। तो दोस्तों हम अभी बैटरी में देखते हैं कितनी वोल्टेज है। तो आप देखते हैं देख सकते हैं कि 2.7 और 2.6 के आसपास समथिंग है। तो चलिए अब चार्जर कनेक्टर पे देखते हैं कितनी आ रही है, जहाँ बैटरी कनेक्ट होती है उस जगह देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक चार्जर लगाना पड़ेगा जो कि आईफोन का है चार्जर, वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ आईफोन में, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है इसके अंदर। तो एक ग्राउंड मैंने ब्लैक वाली प्रोब ग्राउंड पे कर दिया और दूसरे वाले पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 3.67 के आसपास ये आ रही है वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को कम आने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये मीटर थोड़ा गलत बता रहा है वोल्टेज जो मैं चेक कर रहा हूँ, या फिर आईफोन में ऐसा होता होगा कि ये जब तक बैटरी कनेक्ट ना हो तब तक ये कम ही बताएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। चलिए मैं इसे थोड़ी देर चार्ज करके देखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि चार्ज हो रहा नहीं हो रहा। तो दोस्तों अभी हमें इसको थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा बैटरी कनेक्टर और जो बोर्ड के अंदर कनेक्ट करने के लिए रहता है बैटरी को, तो उसे क्लीन कर लेते हैं, क्या पता उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो रही हो। तो मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। और ध्यान रहे कि आईपीए जो है बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब कि आप ब्रश में पहले लें आईपीए, फिर उसके बाद फ़ोन के बैटरी कनेक्टर पर उसको साफ़ करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है अगर आईपीए कहीं और चला गया। तो कुछ इस तरीके से आपको साफ़ करना, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, भले ही दो तीन बार करना पड़े, बट इकट्ठे ही आपको आईपीए नहीं लेना, उतना आईपीए लेना जितने की साफ़ हो सके, उड़ जाए वो, इधर उधर ना गिरे वो जो आईपीए रहेगा। और जहाँ पे ये है बैटरी जिस जगह पे कनेक्ट होएगी वहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं
तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर तक चार्जिंग करने के बाद अब ट्राई करके देखते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है इसके अंदर। तो थोड़ी देर चार्ज करा था मैंने, अब देख सकते हैं आप, पहले से 2.7 थी, अब 3.21 इसके आसपास हो गई, मतलब 0.34 के आसपास बढ़ी है, यानी कि बढ़ रही है। मैंने ज़्यादा देर नहीं, हद से 5 से 7 मिनट ही लगाया होगा इसका चार्जिंग पे, तो इतनी हो गई है 3.12। तो अब मैं इसको पैक कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा मैं इसके अंदर, तो इसलिए अब इसको ऊपर से ही सिर्फ डिस्प्ले कनेक्ट, डिस्प्ले और जो सेंसर वेंसर के हैं, डिस्प्ले टच और सेंसर, इनको कनेक्ट करके फिर इसको चला के देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है। नहीं तो फिर इसके अंदर कोई और कमी हो सकती है, कि या तो डाटा केबल तो खैर मैंने दूसरी भी लगा के देखी थी, या तो जैक है वो ख़राब हो गया होगा इस वाले फ़ोन का, तो हमें फिर जैक बदलना पड़ेगा। ये अभी कहीं जा नहीं सकता था, मैं जैक वैक चेंज करके मैंने चेक करता मैं, तो इस हिसाब से मैंने कनेक्टर को ही साफ़ करा है बस। तो चलिए अभी मैं इसको पैक कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि एक बैटरी का साइन आ जा रहा है कि बैटरी लो का। तो पहले क्या हो रहा था, पहले चार्जिंग लगाते ही 1% दिखा रहा था और ऑन हो जा रहा था फ़ोन, या कभी कभार 100% दिखा दे रहा था, बस यही हो रही थी दो चीज़ें। अब बट सही दिखा रहा है कि जितना होना चाहिए, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है धीरे धीरे करके। तो चलिए मैं छोटे छोटी क्लिप डालूंगा इसकी, कि किस तरीके से चार्ज हो रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का सा गैप आया है जो मेरे हिसाब से रहता होगा, तो अब मैं इसके स्क्रू कस दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के बाद 2% के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। ऑन तो खैर 1% पे हुआ था, अब 2% दिखा रहा है। तो चलिए अब थोड़ी देर और रख देता हूँ मैं इसे लगे लगे, और देखते हैं कि कितना होता है। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि 17% हो गया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है ये फ़ोन। बाकी मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।